मध्य प्रदेश के बड़वानी थाना पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 60 लीटर महुआ शराब, एक 12 बोर देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना बड़वानी पुलिस द्वारा अवैध जुआ, सट्टा एवं शराब के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। जो मुखबिर की सूचना मिली कि लोनसरा के रास्ते से कच्ची महुआ शराब अपनी बाइक से लेकर आने की सूचना पर टीम गठित कर लोनसरा रोड योग माया मंदिर जिरात के पास बाल कुआं के आरोपी नन्नू उर्फ नरेंद्र, पिता घिसा लाल पटेल भिलाला को नाकाबंदी कर पकड़ा, जिसके पास दो केनों में 60 लीटर महुआ शराब, 12 बोर देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा धारा 34(2) आबकारी एक्ट और 25(27) आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। ये पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है अवैध रूप से कच्ची शराब लेकर जो है अपने बालकुआं तरफ आ रहा है। उस पर पुलिस टीम ने जो लोनसरा रोड पर जब चेकिंग की तो उसमें हमारे एसआई विजय रावत, एसआई आरके लोवंशी और स्टाफ थे, और चेकिंग के दौरान मुखबिर के बताए अनुसार जैसे ही एक व्यक्ति को रोका गया तो वो पुलिस को देखकर तेज़ी से भागने लगा, और जब भागा तो पुलिस ने उसको घेराबंदी करके पकड़ लिया। और पकड़ने के दौरान जब उसमें तलाशी ली गई, उसके बाद जो ड्रम थे उसमें अवैध शराब होना पाई गई, और बाद में जब उसकी अवैध और जामा तलाशी ली, शरीर की तलाशी, तो उसमें 12 बोर का एक कट्टा भी पाया गया। और उसने अपना आरोपी ने जो नाम है उसका नन्नू उर्फ नरेंद्र पटेल निवासी बालकुआ का होना बताया है। कारतूस भी है साथ में? हाँ, उसके साथ 12 बोर का जो कट्टा मिला है उसमें एक राउंड भी मिला है। क्या कोई वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? ये वास्तव में देखा जाए तो गांव में जो इसकी शोहरत है, पूरा गांव उससे परेशान है, दुखी है, और इसका आतंक था, तो ये कभी भी कोई सा भी हरका अपराध कर सकता है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या कर दे। और तो पूर्व में कुछ अपराध है इसके खिलाफ? हाँ, इसका पूर्व भी आपराधिक रिकॉर्ड है जो अभी हम पूरा अपडेट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।